वेलकम टू स्टडी विलेज दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आया हूँ कोका विद्रोह और मुंडा विद्रोह, कोकी विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। कोका विद्रोह, तो कोका विद्रोह हुआ था 1860 से लेकर के 70 के बीच में हुआ था। तो कोका विद्रोह कहाँ हुआ था, ये पंजाब क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, भगत जवाहर मल ने किया था। और जिसका वो जो निक नेम था, उपनाम था, वो सियान साहब और बालक सिंह के नाम से भी जाने जाते थे। तो यहाँ पर हम कोका विद्रोह जो हुआ था वो 1860 से 70 के बीच रहा और इसका जो विद्रोह हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था, पंजाब में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, भगत जवाहर मल ने किया था और इनका उपनाम भी था सियान साहेब और बालक सिंह। और इसका मेन कारण क्या था और वो भी जान लेते हैं। तो ये आंदोलन पंजाब के धार्मिक और राजनैतिक आंदोलन था। एक तरीके का ये जो विद्रोह हुआ था वो धार्मिक और राजनैतिक था। तो धार्मिक उनका जो धार्मिक लक्ष्य था वो क्या था, तो धार्मिक लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो ये जो सिखवाद था उसका धर्म सुधार, मतलब हर एक संप्रदाय में कुछ ना कुछ ऐसी अडंबर और कुरीतियाँ जो फैली हुई थी तो उन पर सुधार के लिए था। तो ये इनका जो उद्देश्य था, जो भगत जवाहर मल थे, तो उनका जो सिख समुदाय में जो धर्म सुधार के लिए ये किया गया था, धार्मिक जो उनका लक्ष्य था। दूसरा था कि राजनैतिक लक्ष्य क्या था, तो राजनैतिक लक्ष्य उनका ये था कि अंग्रेजों ने जो पंजाब से भगा करके सिखों का प्रभुत्व पुनः स्थापित करना था। तो जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने पंजाब पे जब अपना अधिकार कर लिया था तो उनको भगा करके वहाँ पुनः सिखों का प्रभुत्व जो प्रभुत्व था उन्हें स्थापित करना चाहते थे। तो ये मेनली अब यहाँ जानेंगे कोका विद्रोह। और हाल में ही अभी कोका विद्रोह की 150वीं जयंती भी मनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए मेनली क्या है कि ये धार्मिक और राजनैतिक था। और जो धार्मिक था उनका लक्ष्य था तो ये था कि धर्म सुधार के बारे में था और राजनीतिक लक्ष्य ये उनका था कि अंग्रेजों को पंजाब से भगा करके वो पुनः वहाँ पर सिखों का प्रभुत्व स्थापित किया जाए। और ये 1882 में ये जो बालक सिंह थे, ये कोका इस आंदोलन का जिम्मेदार घोषित करके रंगून भेज दिया गया था ब्रिटिश द्वारा। तो इनको एक कह सकते हैं निर्वासित कर दिया गया था उनको रंगून भेज दिया गया था और वहाँ पर 1858 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर तीन पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आपको, क्या कि इसका कारण क्या था। तो कारण इसका यही था कि वो अंग्रेजों को पंजाब से भगा करके पुनः वो सिखों का प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे थे। और एक उनका कारण ये था कि वो जो सिखवाद था जो उसमें से धर्म सुधार के लिए उसको किया गया था। और इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व ने भगवत जवाहर मल ने किया था, जिनका नाम क्या था, बालक साहेब और सियान साहब भी था। तो ये यहाँ पर था हमारा कोका विद्रोह। और इसके बाद हमारा आता है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह बहुत ही काफ़ी दिनों तक चला था और बहुत ही कह सकते हैं एक बड़ा आदिवासी विद्रोह था। तो ये मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ पर, इनके जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे और उसको उल्गुनन भी कहा जाता था। उल्गुनन मतलब महा विद्रोह कहा जाता था और ये सबसे अधिक प्रसिद्ध विद्रोह है बिरसा मुंडा का। तो यहाँ पर बिरसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में भी है, तो ये झारखंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर विद्रोह रांची के दक्षिण क्षेत्रों में छोटा नागपुर में हुआ था। रांची के दक्षिण क्षेत्रों में छोटा नागपुर जो पड़ता है वहाँ पर हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। और अब जान लेते हैं कि बिरसा मुंडा आखिर थे कौन। तो बिरसा मुंडा एक बटाईदार के पुत्र थे। बटाईदार मतलब कह सकते हैं कि जो खेती हुआ करती थी उसमें से कुछ लोग बटाई में कि उसका हिस्सा आधा आधा हो जाता था, जो भी फसल आती थी उनके पुत्र थे। उसे मिशनरियों से थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी, तो वहाँ पर उन्होंने मिशनरियों के साथ में रहकर कुछ शिक्षा प्राप्त कर ली थी। और साथ में ये था कि वो जो जर्मन मिशनरी थे तो उनके प्रभाव में आकर वो ईसाई भी बन गए थे। लेकिन बाद में ही क्या होता है कि पुनः दोबारा वो अपने पूर्वजों के धर्म को अपना करके एकेश्वर की स्थापना पर बल देते हैं। मतलब उनका मत था कि ईश्वर एक है, सब कुछ एक है, एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। इसका मानता और इन 1895 से लेकर के परमेश्वर के दर्शन हुए और पैगंबर होने का दावा भी उनका कहना था। तो उन्होंने ये कहा था कि वो ऐसा मानना था, उनकी ऐसी मान्यताएँ थी कि उनको 1895 में
क्या हुआ कि उनको परमेश्वर के दर्शन हुए और वो खुद को अपना पैगंबर मानने लगे। और उनके पास एक निरोग करने की चमत्कारी भी है, मतलब वो एक तरीके से खुद पैगंबर बन गए थे मुंडा जनजातियों के लिए। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था जो उनकी जो भूमि व्यवस्था थी, जिसको खूंट कट्टी का नाम से जाना जाता था, तो ये जमींदारी और व्यक्तिगत और भू स्वामित्व वाली भूमि की व्यवस्था में परिवर्तन करके विरुद्ध किया। इसके बिरसा मुंडा जो थे वो राजनीतिक और आंदोलन के रूप में प्रधान हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि जो उनकी जो जमींदारी थी या व्यक्तिगत जो भू स्वामित्व था, तो उसको उसमें परिवर्तन लाया गया ब्रिटिश द्वारा, तो जिसके विरुद्ध में किंतु और इसको धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया गया। तो पहले तो ये एक तरीके का धार्मिक चल रहा था, फिर इसके बाद में ये राजनीतिक के रूप भी ले लेता है। तो 1899 में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर अनुयायी जो थे बिरसा मुंडा के, उन्होंने क्या किया, सिंहभूम के कुछ क्षेत्रों में आक्रमण कर दिया। और इस विद्रोह का, और ये जो बिरसा मुंडा विद्रोह था, तो इसमें सिर्फ यही नहीं था कि पुरुषों ने भी भाग लिया, स्त्रियों में भी भाग लिया था इसमें। और ये 1900 तक विद्रोह में पुलिस का निशाना बनाया गया, परंतु जनवरी 1900 में पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हुए और कुछ दिन बाद बिरसा पकड़ा गया और उसको जेल में मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि मृत्यु के बाद जो विद्रोह शांत हो जाता है, और ब्रिटिश सरकार जो छोटा नागपुर है उसमें काश्तकारी और कानून के में किसानों को कुछ राहत प्रदान की जाती है। जो किसान थे और जो काश्तकारी थे उनमें से कुछ राहत प्रदान किया जाता है, और साथ में इस कानून के अंतर्गत संयुक्त काश्तकारी और अधिकारियों को मान्यता दी गई, और रोजगारी और बंधुआ मजदूर जो थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सबसे बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हुआ था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद में जो यहाँ पर जो बेरोजगारी पर जो बंधुआ मजदूर थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि कूकी आंदोलन। तो ये 1917 से लेकर 20 तक के बीच में रहा कूकी आंदोलन, और कूकी आंदोलन का जो क्षेत्र था वो मणिपुर था। ये कहाँ हुआ था, मणिपुर में हुआ था, यहाँ के जनजातियों द्वारा स्टार्ट किया था 18वीं सदी में। और आदिवासियों का जो आदिवासियों को पोथायन के लिए बाध्य करना था, इसका कारण क्या था, तो कारण ये था कि जो आदिवासी वहाँ थे कूकी आंदोलन की मणिपुर में जो, तो उनको पोथायन के लिए बाध्य करना था, और आदिवासियों द्वारा जो झूम की जो कृषि करते थे उनको रोकने के विरोध में हुआ था। तो झूम कृषि क्या होती थी कि जो आदिवासी थे एक जंगल को साफ करते थे और वहाँ पर अपना कृषि किया करते थे, और कुछ समय के बाद में फिर दूसरी जगह जंगल साफ करते थे वहाँ कृषि करते थे। तो इसका ये विरोध किया गया ब्रिटिश द्वारा और पोथांग के लिए बाध्य किया गया। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं, तो इसका मेन कारण था पोथांग क्या होता है। पोथांग का मतलब होता है कि आदिवासियों को बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामान ढोने को कहा जाना, मतलब उसका कोई भी मजदूरी उसका मेहनताना कुछ भी नहीं देना होता था, और उनका जो अधिकारियों का जो सामान था वो कंटिन्यू उनको तोड़ना होता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था। तो पोतांग का अर्थ यही होता है। तो यहाँ पर ये पोतांग का अर्थ भी पूछा गया है कई पेपरों में, और ये झूम कृषि भी है। तो ये दो चार चीजें आपको पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद में, और इसका जो नेतृत्व किया था, तो वहाँ पे जो नेतृत्व के लिए जो मणिपुर के जनजाति थे कुकी जनजाति, उन्हीं ने ही इसका नेतृत्व किया था। अब यहाँ पर आते हैं कि फिर इसके बाद पागलपंथी विद्रोह आता है। तो पागलपंथी विद्रोह क्या था कि पागलपंथी विद्रोह 1813 से लेकर 33 के बीच में रहा। ये विद्रोह पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो करम शाह और टीपू मोइन ने किया था। तो यहाँ पर करम शाह जो थे वो फादर थे टीपू मोर के, तो ये फादर थे और ये उनके बेटे थे। तो इसका पश्चिम बंगाल में विरोध हुआ था। तो पागलपंथ जो क्या था कि पागलपंथ जो उत्तर पूर्व भारत का एक धार्मिक संप्रदाय था, क्या था ये धार्मिक संप्रदाय था, जिसमें उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। तो करम शाह और टीपू मीर ने ये चलाया था। तो यहाँ करम शाह का जो पुत्र था वो उत्तराधिकारी टीपू मीर था, और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। तो जो टीपू मीर था तो वो राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। जमींदारों के माजरों के लिए अत्याचारों के विरुद्ध 1813 में इसका विरुद्ध हुआ था, और 1813 में इसका विरुद्ध होने के बाद में इसका अंत हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए। हाँ, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। कमेंट करिए अपना टॉपिक, मैं उस पे वीडियो